ना दिल की गति कितनी होनी चाहिए, दिल का जो रेट है या फिर दिल की जो गति है वो 60 से लेकर 90 होना चाहिए हर मिनट। तो अगर हर मिनट में 90 से ऊपर अगर जा रहा है तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। जब ये दिल की गति 100 के ऊपर होती है तो हम उसको टैकीकार्डिया कहते हैं, मतलब ज़्यादा हार्ट रेट है ऐसे कहते हैं। जब भी कोई रेस्ट कर रहा है, आराम से चेयर पे बैठा है या फिर लेटा है, उस टाइम पे उनका हार्ट रेट जो है 60 से लेकर 90 तक होना चाहिए। तो जब भी आप कुछ भी काम करने लगते हैं या फिर कुछ हेवी एक्सरसाइजेस करने लगते हैं, भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, या फिर अगर आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं, या फिर अगर आपका बुखार आया है, या फिर आपको थायराइड का कुछ इशू है, आप अगर चाय ज़्यादा लेते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, तो इससे हार्ट रेट ज़रूर बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी में भी हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हार्ट रेट का 100 के ऊपर होना एक आम बात हो सकती है। लेकिन जब भी आप रेस्ट करेंगे, कम से कम अगर आप एक 10 से 15 मिनट आराम से बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं, तो जो दिल की गति है वो 60 से लेकर 90 तक आनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो उसके कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं। थैंक यू।